इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, कल कांग्रेस की बैठक थी और सीट शेयरिंग की भी बात चल रही थी। नीतीश कुमार और लालू यादव कांग्रेस को 6 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, लेकिन कांग्रेस 8 सीटों के डिमांड पे अड़ी हुई है, अकेले भी लड़ सकती है। तमाम संभावनाओं पे चर्चा हो चुकी है। जिसका 1 MP नहीं है वो 17 मांग रहा है, यानी लालू यादव। क्या होगा इस पर कटाक्ष किया है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर को सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। पीएम पद को लेकर के बहुत ज्यादा रस्साकसी चल रही है। मुझे कोई रस्साकसी नहीं दिख रही है। पहले आप अपना गठबंधन बनाइएगा, चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा तब ना। प्रधानमंत्री का पद तो बहुत बड़ी बात होती है। बिहार में बड़बोलापन यहाँ के सामाजिक राजनीतिक जीवन की सच्चाई है। जिस दल का 0 MP है, RJD का 0 सांसद है लोकसभा में, अब वो लोग बता रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ये बड़बोलापन ही है भाई। आपको पूछ कौन रहा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये तय तो वो पार्टियां कर सकती है जिनके सांसद जीत कर आते हैं। आपका 0 सांसद जीता हुआ है और आप खड़े होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा? तो ऐसे हुआ कि हम यहां से बैठ के बोले कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। तो ये तो आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपको ना समझ है ना कुछ आपकी सोच है, जबरदस्ती का कुछ बात किए जा रहे हैं। आपने कहा कि इंडिया में प्रधानमंत्री पद को लेकर रस्साकसी है। मेरे भाई अभी तो इंडिया गठबंधन पे 3-4 खाली बैठक हुई है, अभी तो कार्यक्रम तय नहीं हुआ, सीट एडजस्टमेंट तय नहीं हुआ, यही नहीं पता है कि वो लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो रस्साकसी क्या होना है। तो कॉमन सेंस की बात है, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, तो स्वाभाविक तौर पर उस दल इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी कांग्रेस के पास ही रहेगा। आप चाहे जितना हल्ला मचा लीजिए, सबसे बड़ा दल वहां कांग्रेस है। सुना आपने प्रशांत किशोर को, कहा कि जिसकी 1 सीट नहीं है वो मालिक बने फिरा है, वो प्रधानमंत्री तय कर रहा है। अरे भैया, जो जीतेगा, जिसके सांसद होंगे वो चुन लेंगे। आप काहे को माथा पच्ची करने जा रहे हैं लालू यादव? ठीक ही तो कहा है प्रशांत किशोर ने, इसमें गड़बड़ तो कुछ कहा नहीं है। 1 MP आपके पास है नहीं, आप नीतीश को ख्वाब दिखा दिए कि चलिए आपको MP प्रधानमंत्री बना देंगे। ललन सिंह ने आपको ख्वाब दिखा दिया कि जदयू का विलय करा देंगे। बड़ा मिलके गेम खेल रहे थे, नीतीश कुमार समझ गए गेम को। प्रशांत किशोर ने इसी पे तंज कसा है कि 1 सांसद नहीं और आप प्रधानमंत्री का ख्वाब दूसरे को दिखा दे रहे हैं, और कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस का ही सब लोग कहना मानेंगे। बात भी सच्चाई है, 138 साल पुरानी पार्टी है भाई, 350 सीट पे लड़ने की बात कर रही है, 190 पे आप लोग लड़ेंगे सब लोग। लेकिन ये वक्त के गर्भगृह में छोड़ देते हैं कि क्या होगा उस समय। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।